और आगे बढ़ते इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी कोरोना प्रभावित जिलों के डीएम से बात करेंगे। 20 मई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह बातचीत होगी। अलग अलग जिलों के जो जिला अधिकारी हैं उनसे खुद जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी रणनीति क्या है, क्या और बदलाव करने की जरूरत है, उनको क्या काम करने में दिक्कत आ रही है, किस तरीके की परेशानियां आ रही हैं। तो ये एक बड़ी पहल है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, जो ज्यादा कोरोना प्रभावित जिले हैं उनके डीएम से, उनके जिलाधिकारियों से सीधे पीएम मोदी संवाद करेंगे। 20 तारीख को सुबह 11 बजे यह संवाद होना है, ये बातचीत होनी है और अपना सलाह मशवरा भी प्रधानमंत्री मोदी इन जिलों के अधिकारियों को देंगे। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मधुरेंद्र, ये एक बड़ी पहल है पीएम की ओर से, जब जो ज्यादा प्रभावित जिले हैं कोरोना के उनके डीएम यानी जिलाधिकारियों से बातचीत होगी सीधे। देखिए, लगभग 300 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है और जाहिर है कि अब ये पॉजिटिविटी रेट जो है वो शहरों से निकलकर गांवों की तरफ मूव कर चुका है, जिसका डाटा अभी भी आप कहिए तो बहुत ज्यादा सरकार के पास नहीं है और ये सबसे बड़ा एक तरह से देखा जाए तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कमजोर कड़ी है। प्रधानमंत्री इन जिलों के डीएम से बात करके जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्थिति वहाँ है, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई की बात हो, चाहे दवाओं की सप्लाई की बात हो, चाहे बेड की अवेलेबिलिटी की बात हो, या गाँव में फिर टेस्टिंग को ट्रेसिंग को लेकर बात हो, तो ये तमाम स्थिति से डायरेक्ट जो है वो रूबरू होना चाहेंगे। इससे पहले भी आप देखिए कि जो पहला सर्च था उस दौरान भी डीएम से डायरेक्ट बातचीत करके प्रधानमंत्री ने एक तरह से केंद्र की सहायता सीधे जिलों तक पहुंचाने की बात कही थी। इस बार भी ये बात कही जा रही है, लेकिन देखना होगा कि केंद्र की स्ट्रेटजी क्या होगी जिलों तक पहुंचने के लिए, जिलों तक संसाधन मुहैया कराने के लिए। मधुरेंद्र, ये बातचीत तब और अहम हो जाती है जब केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार दिए हैं कि वो अपने यहाँ कैसे लॉकडाउन लगाना है, कहाँ कैसे करना है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस रहने की सलाह दी गई है केंद्र के द्वारा। ऐसे में जिलाधिकारियों का रोल ज़्यादा अहम है क्योंकि वो तय करते हैं कि जिले में कितनी पाबंदियाँ लगानी है, कितनी पाबंदियाँ नहीं लगानी है, या फिर कौन सा कंटेनमेंट जोन होगा। इस लिहाज से ये बातचीत ज़्यादा है। देखिए, बिल्कुल, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका हेड जिले का डीएम होता है और वो अपने हिसाब से रणनीति बनाने के लिए स्वतंत्र भी होता है। एक गाइडलाइन भले ही केंद्र ने दे दी है, एक पूरा का पूरा खाका जरूर ही राज्यों ने खींचा है, लेकिन ये देखा जाता है कि अलग अलग जिलों में डीएम जो है वो अपनी कार्यकुशलता के जरिए बीमारी पर काबू पाने में और व्यवस्था को संभालने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई जिलों में हम देख रहे हैं कि डीएम वॉर फुटिंग पर जो है ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। कई जिलों में देखा जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन जो है वो काफी बेहतर उनका काम कर रहा है, लेकिन कई जिले काफी पुअर भी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का इंटरफेरेंस सीधे सीधे डीएम तक ये बतलाता है कि किस तरह से जो उच्च नेतृत्व है वो खुद इस मसले पर नजर रखे हुए है और ये जाहिर तौर पे अगर डीएम पीएम की बातचीत पूरी तरह से होती है तो एक मैसेज ही नहीं जाएगा, बल्कि डीएम के पास जो है वो अपने आप में काम करने की एक नई ऊर्जा, नई क्षमता आएगी, वो नए तरीके से सोचेंगे और उन्हें भी एक तरह से एक बात का भरोसा मिलेगा कि केंद्र जो है वो सीधे सहायता करने के लिए तैयार है, लिहाजा वो किसी भी तरह का कदम उठा सकते हैं। तो एक बड़ी तरह से बूस्टिंग हम कह सकते हैं कि जिले स्तर पर डीएम को प्रधानमंत्री से सीधे मिलेगी। ठीक है, चलिए मधुरेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। 20 तारीख को सुबह 11 बजे ये बातचीत होनी है प्रधानमंत्री मोदी की, 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से बातचीत होनी है। जाहिर सी बात, ये बातचीत तब अहम है जब सरकार का फोकस इस बात पर है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कैसे कोरोना संक्रमण को रोक दिया जाए, कैसे उन इलाकों से आगे कोरोना को बढ़ने ना दिया जाए, इस लिहाज से ये बातचीत अहम है। कोरोना संकट पर पीएम मोदी के हाई लेवल मीटिंग भी हुई है, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। ब्लैक फंगस जो कि एक नया खतरा बना हुआ है, इससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। मीटिंग में ऑक्सीजन सप्लाई और दवा सप्लाई पर चर्चा हुई है। इस स्थिति की समीक्षा है कि कहां किस चीज की कमी है। ब्लैक फंगस की दवाओं की सप्लाई पर भी चर्चा हुई है इस बड़ी बैठक में। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी एक्शन में है। पीएम मोदी का हाई लेवल मीटिंग ये हुई है और इस हाई लेवल मीटिंग में ब्लैक फंगस, जिसके हाल फिलहाल में कई मामले निकलकर सामने आ गए, उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। मीटिंग में ऑक्सीजन सप्लाई और दवा सप्लाई को सुनिश्चित बनाए रखने पर भी चर्चा हुई है। लेकिन इस बीच विपक्ष ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी है। कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर सभी देशवासियों को फ्री में वैक्सीन देने की मांग कर दी है। कांग्रेस समेत 12 दलों ने यह चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को, सभी देशवासियों को फ्री में वैक्सीन मिले, साथ ही जल्द से जल्द मिले, इस बात की सबसे ज्यादा वकालत इस चिट्ठी में की गई है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, शरद पवार, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और स्टालिन। दरअसल जो बड़े नेता किस तरीके से एक्शन में हैं, विपक्ष के 12 बड़े पार्टियों के 12 नेताओं ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अवनीश, विपक्ष लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रहा है कि सरकार उन्हें साथ नहीं ले रही, इसीलिए विपक्ष के 12 बड़े नेताओं ने एक चिट्ठी लिख दी है,
प्रधानमंत्री मोदी के नाम और अपने सुझाव उस चिट्ठी में। जी, जिस तरीके से देश में महामारी की लहर घातक होती जा रही है, ऐसे में ये खबर आई है कि जो 12 विपक्षी दल के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 9 मांगों की डिमांड की है, जिसमें फ्री वैक्सीनेशन और जो बेरोजगार हैं उनको 6,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिए जाने और इस तरीके की जो अन्य मांग है वो उसमें की गई है, जिसमें सेंट्रल विस्टा परियोजनाओं को भी फिलहाल निलंबित करके उसका बजट जो है स्वास्थ्य सेवाओं में लगाने की मांग की गई है। तो जाहिर होता है कि जो विपक्ष है वो एकजुट हो गया है, और ये ऐसे समय में जब पैंडेमिक का टाइम है और देश परेशानी में है, तो उन्होंने हालांकि उन्होंने कहा है कि सुझाव के तौर पर 9 मांगें रखी गई हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख मांग है वो फ्री वैक्सीनेशन की है, कि देश के सभी लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया जाए। जो वैक्सीनेशन की कमी आ रही है उसको देखते हुए 35,000 करोड़ का बजट जो है वो इस समय पैंडेमिक को दिया जाए, और जो सेंट्रल विस्टा परियोजना है उसको निलंबित करा जाए। इसके अलावा जो एक बड़ी मांग है वो है बेरोजगारों को 6,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिए जाने की मांग है, क्योंकि लॉकडाउन है, बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो इस समय आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। तो ये सारे जो हालात हैं उसमें ये 9 मांगें विपक्ष के प्रमुख नेताओं का एकजुट होकर करना एक सरकार के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति है, जिसमें यह देखा जाएगा कि अब इस विपक्ष के एकजुट होने और हाल ही जाहिर तौर पर केंद्र सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है कि इस महामारी पर किसी तरीके से काबू पाया जाए, और ऐसे में जब विपक्ष भी एकजुट हो गया है तो जाहिर है कि केंद्र पर दबाव बढ़ेगा। जी ठीक है, चलिए अवनीश हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।